वेलकम सर। आज जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरा ट्रेनिंग सेंटर के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बच्चे क्लास करते हैं, किस तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके उनको सिखाया जाता है, क्या कोर्स है मेरे पास, क्या सिखाने का तरीका है, क्या प्रोसीजर है, ये सारा चीज़ मैं आपको डिस्प्ले करूँगा। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट उन्होंने डाला हुआ है कि सर स्टूडेंट कैसा है, हम कैसा सीख पाएंगे, क्या हमको सीखने को मिलेगा, क्या कोर्स में होगा, ये सारी चीज़ें जो बातें हैं ना वो आज आपको एक एक करके मैं आपको शेयर करूँगा। सबसे पहली बात क्या है कि ये बीटेक स्टूडेंट करके आपको कानपुर में पड़ता है। कानपुर में एक जगह पड़ती है जिसे हम लोग बोलते हैं सागर मार्केट माल रोड। सागर मार्केट मुझे लगता है कि ये अपना जो उत्तर प्रदेश पड़ता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन के अंदर सारे पार्ट्स, सारे सिस्टम, सारे टूल या ट्रेनिंग से संबंधित ये जितने सारे काम होते हैं ना, ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आते हैं तो सीखने का मतलब क्या, वो सीख के ही आते हैं। क्योंकि हर एक पर्सन का यही कहना होता है ना कि अगर आपको कोई भी काम सीखना ना तो आप उसके गढ़ में जाइए। गढ़ का मतलब क्या होता है, जहाँ इसी का काम हो रहा हो। लोग कपास सीखने जाते हैं, और जो यूपी के लोग होते हैं या बहुत भी अच्छा लोग होते हैं वो अपना कानपुर सीखने आते हैं। कानपुर में कहाँ पर सीखते हैं, सागर मार्केट में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दिन पर दिन क्या होता है, बहुत ऐसे मोबाइल फ़ोन के कस्टमर आते हैं जो मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए आते हैं, अपने ठीक कराने के लिए आते हैं। तो स्टूडेंट क्या काम करते हैं, उनके फ़ोन को फ्री में ठीक करते हैं, फ्री कॉस्ट ठीक कर देते हैं, ताकि उनको सीखने को मिलता है। और कस्टमर के लिए बेहतर ये होता है कि उसका फ़ोन भी सही हो जाता है। तो ये सारी सुविधाएँ जो यहाँ पर आपको मिल जाती है। दूसरी बात क्या है, ये जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग और लैपटॉप रिपेयरिंग के मेरे पास दो कोर्स हैं। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो कोर्स रहता है 2 से 3 महीने का पूरा कोर्स रहता है। जो बच्चे लोकल के होते हैं वो 90 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करके जाते हैं। जो बच्चे बाहर से आते हैं वो अपना पूरा 45 दिन के अंदर, 30 से 45 दिन के अंदर अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके जाते हैं। इसमें आपको हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, रिमोटी लेवल हो गया या OCA रिपेयरिंग हो गई, वो सारा चीज़ें कोर्स के अंदर आपको इंक्लूड रहता है। एक एक करके सारी चीज़ें आपको टोटली आपको सिखाई जाती हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, आई कार्ड मिलता है। जो अभी देखिए मैं आपको सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू वगैरह भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे किस तरीके से आज, क्योंकि आज बहुत बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिलना है, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाना है, तो वो भी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और आपको पूरा क्लास का व्यू मिलेगा कि किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या सीखने के बाद अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपको शेयर करेंगे कि मैं सीख करके क्या कर रहा हूँ, कैसे सीख रहा हूँ, क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले करेंगे। ये अपना जैसे ब्रोशर है, इस ब्रोशर के अंदर कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कोर्स में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, ये सारी बातें इसमें एक एक करके डिटेल से आपको दिया हुआ है, ताकि मोबाइल फ़ोन के अंदर 1 से लेकर 1 तक, चाहे बेसिक से लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का, यहाँ तक कि आपको बोर्डनियो हो गया, सीमेंटिक हो गया, इस तरीके से आपको पूरी फुल कम्प्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है। स्टूडेंट क्या काम करते हैं, बोर्डनियो सीमेंटिक में फॉल्ट को रीड करते हैं, फॉल्ट रीड करने के बाद उनको क्या काम करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, वो उनका प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। कोर्स जो रहता है वो हमारा 4 स्टेप में हम बच्चों को कोर्स कराते हैं। सबसे पहला जो कोर्स चलता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रैक्टिकल। बेसिक प्रैक्टिकल का मतलब रहता है कि फ़ोन के अंदर जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं ना, उन सब चीज़ों को निकाल के लगाना। जैसे मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन आ गया है, तो ये फ़ोन बनने के लिए जो अंदर का जो बोर्ड होता है ना, इस बोर्ड के अंदर जो भी सारे पार्ट्स होते हैं जैसे डिस्प्ले, टच, साम्बो, स्पीकर, रिंगर, माइक, जैक, चार्जिंग जैक, सिम जैक, मेमोरी जैक या मोबाइल फ़ोन के अंदर पावर, CPU, IC वगैरह, उनको ICU को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, कैसे निकाल के लगाया जाएगा, ये सारा काम हम पहले प्रैक्टिकल में सीखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर रिपेयरिंग। उसके बाद अगला पैटर्न स्टार्ट होता है, इसी के बाद आपका स्टार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिक। बेसिक का मतलब रहता है मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, स्पीकर, रिंगर, माइक, टच, डिस्प्ले, IC, इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अब तक 14 कंपोनेंट बने हैं। यही 14 कंपोनेंट मिलकर के पूरे मोबाइल फ़ोन को चलाते हैं। तो वो सारा चीज़ हम बेसिक क्लास में सीखेंगे। फिर उसके बाद आपका चलेगा अगला टॉपिक चलेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है फ़ोन के अंदर पासवर्ड लग गया या पैटर्न लॉक लग गया, एप्लीकेशन लॉक लग गया, फ़ोन हैंग होने लगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो वो सॉफ्टवेयर संबंधित आपको रिपेयरिंग की जाती है। सॉफ्टवेयर की जो रिपेयरिंग रहता है आपका UMT हो गया, MRT हो गया, UFI बॉक्स हो गया, इन तरीकों से आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है, ताकि सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आती है तो कम्प्लीटली रिपेयर कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्लास जो रहता है 20 से 25 दिन का सॉफ्टवेयर क्लास रहता है, जिसमें आप सारे बच्चों को सारे सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग को बताया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में चलता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी आती है, जैसे फ़ोन चालू ना होना, डेड हो गया, शॉर्टिंग हो गई, फ़ोन में कोई लाइन खराब हो गई, चार्जिंग सेक्शन, स्पीकर सेक्शन, माइक सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, टच सेक्शन,
नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, 2G 4G नेटवर्क नहीं आ रहे, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो वो सारा चीज़ आपको सॉफ्टवेयर क्लास में आपको बताया जाता है, सॉरी ड्रेसिंग क्लास में आपको बताया जाता है। तो इस तरीके से एक एक करके जो भी सारे फॉल्ट होते हैं, सारे फॉल्ट आपको क्या करे जाते हैं, सिखाए जाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको लर्न किया जाता है, सिखाया जाता है। जब आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको फोन दिए जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। चलिए भैया आपको ये काम आ गया, आप इस फोन को बना के दिखाइए, आप इसको ठीक करिए, प्रैक्टिस करिए। हम देखिए तभी स्टूडेंट को अच्छा मानते हैं जब वो मेरे समय किसी मोबाइल फोन को IC लगा करके चालू कर देता है, तभी हम समझ जाते हैं कि भैया तुमको काम आ गया और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। काम स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जितने भी सारे मोबाइल फोन के टूल्स हैं, एसेसरीज हैं, सारे पार्ट्स हैं, सारे सामान हैं, सब चीज़ें आपको मिल जाता है, सारी मशीनें हैं, सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जिससे रहता है कल को अगर आपको अपना बिजनेस प्लान करना है तो आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। आज जैसे मेरे पास दो स्टूडेंट हैं, उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अपना सारा सामान है, सारी मशीनें हैं, सारे टूल्स हैं, सब चीज़ों को उन लोगों ने खरीद लिया हुआ है। खरीदने के बाद कम से कम मुझे लगता है कि 70-80 हज़ार रुपये का सामान अपना परचेज किया हुआ है और अपना दुकान अपनी ओपन कर रहे हैं, अपनी शॉप खोलने जाएंगे, वो शायद मुझे फतेहपुर से रहने वाले हैं। तो इस तरीके से एक एक करके जो भी स्टूडेंट रहते हैं, उन सारे स्टूडेंट को आपको पूरा कम्प्लीटली ट्रेनिंग के साथ में सपोर्ट रहता है और जिंदगी भर के लिए गाइडेंस रहता है। कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उनको शेयर करिए और आप मेरे से जो भी हेल्प हो सकती है मैं आपको तहे दिल से आपको हेल्प करूँगा और आपको सिखा के भेजूँगा। ताकि देखिए मेरा मानना है कि दुनिया जान से अगर मैं गरीबी को तो नहीं हटा सकता, लेकिन गरीबी होने का जो कारण होता है उसको मैं जरूर हटा सकता हूँ। लेकिन आपको बस क्या करना है, सपोर्ट करना है, आपको सीखना है, आपको एक करके पूरी कम्प्लीटली ट्रेनिंग लेनी है, सीखने के बाद आपको अपना सेटअप तैयार करना है, अपना बिजनेस तैयार करना है और फिर एक प्लान करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, हर एक लोगों का मोटिव ये रहता है कि भैया मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन क्या होता है तरीका नहीं पता होता उसको, ये नहीं तरीका पता होता कि कैसे कमाएंगे। भाई आप मार्केट में चले जाएंगे, किसी से बोलेंगे मुझे पैसा दे दीजिए, कौन दे देगा? आप उसके यहाँ काम करेंगे तभी तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन काम करने के साथ पैसा आपको तब मिलेगा जब आपके अंदर कोई गट्स होगा, आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी। क्या क्वालिटी होगी कि भैया मुझे ये काम आता है, मैं ये आपको कम करके दूंगा, इसके बदले में आपको पैसे दूंगा, ये तो जॉब का सिद्धांत होता है। यदि आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप अपना दुकान खोलते हैं, अपना शॉप खोलते हैं, अपना बिजनेस ओपन करते हैं, उसके बाद मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, लैपटॉप संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके सामने कस्टमर आता है, कस्टमर आने के बाद आपसे फ़ोन ठीक करवाता है, फ़ोन रिपेयर करवाता है, जब आपसे फ़ोन रिपेयर करवाएगा तो आप उसको रिपेयर करके देंगे, ठीक करके देंगे, उसके एवरेज में आपको पैसे देंगे। तो ये सारा सिद्धांत रहता है। दूसरी बात रहता है कि आप जितना अच्छा सीखेंगे, जितना बेहतर सीखेंगे उतना बेहतर ही काम करेंगे। मैं कहता हूँ आपके पास 10 मोबाइल फ़ोन आते हैं तो 10 में से अगर आप 10 मोबाइल फ़ोन ठीक करते हैं तो जाहिर सी बात आपको 10 का पैसा मिलेगा, और 10 में से अगर 2 ठीक करते हैं तो आपको 2 का पैसा मिलेगा। अब आपके पास जो 8 फ़ोन आए ना वो आपको बेकार चले गए, क्या बेकार चले गए, कस्टमर वापस चला गया, आपको पैसे नहीं मिल पाए, वो कहीं और जाकर किसी पर्सन ने बना दिया। कैसे बना दिया कि मुझे लगता है कि आपको IC का काम नहीं आता, आपके पास मशीनें नहीं होती, आप ग्लास नहीं चेंज कर सकते, आपके अंदर डोंगल टूल्स नहीं होते, तो आप फोन के अंदर पासवर्ड नहीं अनलॉक कर सकते, अगर पासवर्ड अनलॉक भी करते हैं तो क्या काम करते हैं कि खुद फोन लेते हैं, कहीं और जाकर तोड़वा लाते हैं, 50 रुपये में तोड़वा लाते हैं, फिर कस्टमर से 150 रुपये ले लेते हैं। आपको क्या मिला, आपको तो कितना मिला, आपको तो 150 रुपये मिल गया, 50 रुपये वहाँ चला गया, आपने आए गए, समय भी बर्बाद हुआ, सारा चीज़ हुआ, लेकिन आपको क्या मिला? तो वही बात रहती ना, जब तक आप फुल कंप्लीट आप नहीं होंगे तब तक समझ लीजिए धक्के खाते रहेंगे, और आप पूरा सीख जाएंगे तो आप अपना बेहतर बिजनेस आपको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरे स्टूडेंट के बारे में आपको मैं विजिट कराऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कैसे क्लासेस चल रही हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको पूरा एक एक करके सेटअप दिखाऊंगा। क्लास के दौरान आपको जैसे मशीनें हैं 857DW+, जो बच्चे IC रिपेयरिंग का काम करते हैं उनको ये मशीन प्रोवाइड होती है और वो इससे ICU को ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक मशीन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हम टच ग्लास कॉम्बो का पंच कर सकते हैं। ये सारे इस तरीके से आपको क्लास में आपको प्रॉपर व्यू में आपको बताया जाता है।
जैसा कि मेरे पास एक स्टूडेंट हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं और अपना कोर्स मेरे पास सीख रहे हैं। हाँ सर बताइए। जी मेरा नाम आशीष हुआ, मैं बिहार अररिया जिले का रहने वाला हूँ। और जिस टाइम यहाँ आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जाएंगे, क्या फैसिलिटी है, कैसी व्यवस्था है, तो अंदर अंदर ये सब हो रहा था। पर जब हमने आया तो देखा सारी सुविधाएं हमें मिली और सीखने का पूरा अवसर मिला। मैं यहाँ एक महीने हुआ है और लगता है कि कोर्स का लगभग 70% आ गया है और भी 15-20 दिन में पूरा आ जाएगा। इस वजह से अगर आपको इस तरह का कोई शक हो रहा है तो बिल्कुल बेहिचक आइए, कोई दिक्कत नहीं। हर तरह की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, अगर आप दूसरे जगह से आ रहे हैं, रहने की सुविधाएं, हर चीज़ की व्यवस्था और सिखाया जाता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कोई भी कोर्स छूटी, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, यानी कि एक एक चीज़ क्लियर किया जाता है सही से। मैं भी यहाँ से बहुत दूर से आया हुआ हूँ, बिहार अररिया जिला, यानी कि यहाँ से लगभग 900 किलोमीटर है। तो मुझे भी ये लगा कि इतने दूर जाऊँगा, 24 घंटे 26 घंटे का रास्ता है, पता नहीं अगर वहाँ सही व्यवस्था नहीं मिला तो फिर कैसे रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ, आया तो सही गाइडेंस मिला, सही व्यवस्था मिली, सीखने का अच्छा अवसर मिला और लग रहा है अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है धीरे धीरे। धन्यवाद। थैंक यू। ये ब्रजेश जी हैं और ये लोकल से ही रहने वाले हैं। ये पहले कुछ अपना दूसरा काम करते थे लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपना प्लान किया कि मैं इस लाइन में जाऊंगा और ये काम अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख करके मैं अपना खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। जी मेरा नाम ब्रजेश कुमार है जी, मैं गोविंद नगर से बिलोंग करता हूँ, कानपुर में रहता हूँ जी। मैं भी यहाँ पर सीखने ही आया हूँ। जैसे देखिए ये हमारे स्टूडेंट हैं मनोज करके और ये चित्रकूट से बिलोंग करते हैं, चित्रकूट से मेरे पास यहाँ पर सीखने के लिए आए हुए हैं। उनके वैसे रिपेयरिंग इनको सारा काम आता है लेकिन बस ये रहता है कि इनको एडवांस लेवल का सारी चीज़ें सीखनी है, मतलब चार्जिंग कनेक्टर, माइक, काम्बो बनाना, टच डालना, ये सारा बेसिकली काम कर रहे हैं, 2-3 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि अब ये आईसी लेवल तक का जो भी फुल काम है वो फुल काम को पूरा सीख रहे हैं कि फ़ोन के अंदर जैसे आज पावर आईसी को बदलना, कि एमआई का फ़ोन है उस एमआई के फ़ोन के अंदर की जो पावर आईसी होती है उसको कैसे बदला जाएगा, किस तरीके से पावर आईसी को चेंज किया जाएगा, या बोर्ड के अंदर जो भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे ठीक करेंगे, ये एक एक करके स्टेप बाई स्टेप क्या काम कर रहे हैं उसे रिपेयर कर रहे हैं, उसे ठीक कर रहे हैं। क्योंकि इनका मानना है कि जब तक हम मोबाइल फ़ोन में इस लेवल तक काम नहीं कर सकते तब तक हम कभी भी फुल कंप्लीट रिपेयरिंग नहीं कर सकते। फुल कंप्लीट रिपेयरिंग का मतलब रहता है कि अगर हमारे पास 10 फ़ोन आएंगे तो 10 में से जो स्पीकर, माइक, रिंगर, चार्जिंग, टच डिस्प्ले, काम्बो के 4-5-6 फ़ोन होते हैं उनको मौके कर सकते हैं, बाकी फ़ोनों में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। जब बाकी फ़ोनों में परेशानी आएगी तो हम इसके द्वारा इसे ओके कर पाएंगे। मैंने अभी मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहा हूँ और मैंने काफ़ी हद तक बेसिक सीख लिया है। इसमें मुझे चार्जिंग जैक लगाना आ गया मोबाइल का और बहुत सारे जो मेमोरी जैक लगाना आ गया और अभी फ़िलहाल मैं डिस्प्ले चेंज करना सीख रहा हूँ। तो जैसा कि ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये अभी इनका बेसिक स्टार्ट हुआ है, इस बेसिक के दौरान इनका बेसिक के अंदर जितने भी सारे पार्ट्स आते हैं, जो बोर्ड आता है उस बोर्ड के अंदर जो भी सारे पार्ट्स आते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, सब चीज़ों के बारे में सीख चुके हैं और उनको चेक कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं। और उसके अंदर जैसे पार्ट्स आते हैं जैसे चार्जिंग जैक हो गया, सिम जैक, मेमोरी जैक, बैटरी कनेक्टर्स या डिस्प्ले एलसीडी के बारे में, ये देखिए इनको कोर्स के दौरान इस तरीके से टूल किट वगैरह जो है वो सारा बॉक्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें ये सारे स्क्रू होते हैं, ये मल्टीमीटर होता है, ये आपका सोल्डर पेस्ट है, रंगा है, पीसीबी स्टैंड है, आयरन है, ये सारा सामान जो होता है इस टूल किट के दौरान आपको सारा सामान वन बाई वन करके आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इस तरीके से जो भी सारे स्टूडेंट होते हैं सारे स्टूडेंट को पूरा किट मिलता है। इस किट में मल्टीमीटर, आयरन, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, 10 तरह के सामान पाए जाते हैं जो सामान आपको रिपेयरिंग करने में हेल्प करते हैं। आज जैसे डिस्प्ले को काम्बो बनाना ये सारा काम सीख रहे हैं कि कैसे LCD को पंच किया जाएगा और LCD को कैसे मशीन में डाल करके पूरा प्रॉपर किया जाएगा, ये सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और रिपेयरिंग करते हैं। दूसरी बात है प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी को परफेक्ट बनाती है। हम तो सिर्फ आपको सीखने सिखाने में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, असल ज़िंदगी में आप वही सीखते हैं जो आप खुद करते हैं। जब तक आप खुद नहीं काम करेंगे ना तब तक कभी नहीं सीख पाएंगे।
ये जैसे कि स्टोर है, इस स्टोर में मोबाइल फ़ोन से संबंधित जितना भी सारा सामान है, जो भी सारे पार्ट्स आपको मिल जाते हैं, सारे टूल्स हैं, सारी मशीनें हैं। अब मैं आपको सारी मशीनों के बारे में आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जितने भी मोबाइल फ़ोन के टूल्स आते हैं, ये सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। सारी OCM मशीनें हैं, सारे सामान हैं, सारे पार्ट्स हैं, एक एक करके वन बाय वन करके सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसमें आपको जितने भी आयरन हैं, यहाँ तक थी समझ लीजिए मेरे पास 2000 रुपये तक की आयरन है, या स्मॉल माइक्रोस्कोप है जो मैंने आपको पहली वीडियो में मैंने आपको भेजा हुआ था, ये आपको पूरी टूल्स मिलती है। ये देखिए, ये टूल किट होती है ना, जो बच्चों को टूल किट दी जाती है, जैसे आप देखेंगे रेती है, जम्पर है, पेस्ट है, चिमटी है, शोल्डर है, वायर है, स्क्रू ड्राइवर है, मल्टीमीटर्स है, और आपके ये आयरन है। तो इस तरीके से ये पूरी टूल किट आपको कोर्स के दौरान आपको टूल किट आपको प्रोवाइड कराई जाती है। कोई भी ऐसा सामान होता है जो बच्चे लेना चाहे ले सकते हैं, चाहे वो मशीनों से संबंधित हो गया, टूल से संबंधित हो गया, या कोई भी मशीन, कोई भी लेटेस्ट इक्विपमेंट आइटम या टूल्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें एक एक करके आपको यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, और आप लेकर के आप अपना सेटअप कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये आपका जो फर्स्ट क्लास है, जो प्रैक्टिकल का, जिसमें एक एक करके प्रैक्टिकल संबंधित सारे काम जो होते हैं वो आपको एक एक करके आपको सिखाए जाते हैं। ये बाहर जाने का रास्ता दिया हुआ है, और ये आपका एक अलग से सेक्शन बना हुआ है कि जिसमें क्या होता है, जो भी सारे फ़ोन आते हैं मार्केट से ठीक होने के लिए, वो सारे फ़ोन ठीक किए जाते हैं। ये अपनी मशीन लगी हुई है कि इसके द्वारा मोबाइल फ़ोन के अंदर IC चेंज करना, यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे दूर दूर के बंदे आते हैं, उस फ़ोन के अंदर पावर IC बदलवाना, उनको इमरजेंसी को प्रोग्राम कराना है, या फ़ोन को अनलॉक कराना है, पासवर्ड की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें क्या होता है यहाँ पर सेटअप लग करके पूरे। जैसा कि आप लोगों ने देखा नीचे सेक्शन के बारे में, अब मैं आपको ऊपर सेक्शन के बारे में दिखाता हूँ कि ये ऊपर क्लास के लिए जाता है। ये आपने नीचे सेक्शन में देखा, और ये ऊपर का क्लासरूम है कि जिसमें एक एक करके जो भी सारी प्रॉब्लम आती है बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। ये सुबह मॉर्निंग का बैच है। फ़ोन के अंदर IC को कैसे चेंज किया जाता है, या IC को रिवॉल्व करके कैसे किस तरीके से लगाया जाता है, ये सारा चीज़ एक एक करके वन बाय वन करके बच्चे सीखते हैं। कि लैपटॉप के बोर्ड को कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे ट्रेस किया जाता है, ये सारी चीज़ें। क्लास के दौरान जो भी बच्चे होते हैं वो जो अपनी रिपेयरिंग करते हैं, जो अपना रिपेयरिंग हार्डवेयर की रिपेयरिंग सीखते हैं, वो सारा सिमेटिक के द्वारा रिपेयरिंग सीखते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा डिस्प्ले कराता हूँ, ये बोर्डियो सिमेटिक है। इसके द्वारा जो भी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप आते हैं उसके अंदर हार्डवेयर में आने वाली जो समस्याएँ होती हैं उसको, फॉल्ट को हम लोग ईजिली क्या कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। ये जैसे आज HP का G4 जो अखिलेश वाला लैपटॉप आता है, जिसको अखिलेश यादव ने बांटा था, तो आज बच्चे उसके सिमेटिक को रीड कर रहे हैं। तो
तो आपको बॉर्नियो के द्वारा एक एक करके, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो चाहे लैपटॉप हो, एक एक करके जो भी सारी प्रॉब्लम आती हैं वो सारी प्रॉब्लम को आपको रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है। पहले बेसिकली आपको टेस्टिंग सिखाई जाती है, जब आपको बेसिकली टेस्टिंग आ जाती है तो टेस्टिंग के साथ साथ आपको रिपेयरिंग सिखाई जाती है। कि मैं आपको स्टूडेंट से कुछ मिलवाता हूँ कि ये हमारे अमन जी हैं जो लैपटॉप की रिपेयरिंग सीख रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अमन फतेहपुर से आया हूँ, यहाँ पे सर सीख रहा हूँ। आज मेरा कंप्लीट हो गया, काफ़ी 2 महीने हो गए हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे बेसिक बताया गया, तो बेसिक में कंपोनेंट की जानकारी और उसके बारे में कैसे ट्रेसिंग करी जाती है, फिर उसके बाद विंडो के बारे में बताया गया था कि कैसे विंडो इंस्टॉलेशन करा जाता है, पेन ड्राइव कैसे बूटेबल बनाया जाता है। धीरे धीरे उसके बाद ट्रबल शूटिंग के बारे में बताया गया, धीरे धीरे फिर सिमेटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे हम रहते हैं, ऊपर ही हॉस्टल है तो काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं, यहाँ पे बढ़िया से हमें मिलता है। उसके बाद उनके विकास है। हेलो सर, मेरा नाम विकास विश्वकर्मा, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ सर के पास यूट्यूब के जरिए से मैं आया था मोबाइल रिपेयरिंग सीखने, अब मेरा कम्प्लीट हो चुका है। मैं काम्बो ओसीए सब कर लेता हूँ, उसके बाद मेरा रिपेयरिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब मेरा आज सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मैं अपने यहाँ जाऊँगा, वहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप रखूँगा। वहाँ पर भी मोबाइल रिपेयरिंग है, हार्डवेयर है और टच वच का सब काम करूँगा। यहाँ आज मैंने कल सर से पूरा मतलब कि सामान ले लिया हूँ रिपेयरिंग का और सॉफ्टवेयर का भी ले लिया हूँ। अब आज जाऊँगा, यहाँ सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आज चले जाएंगे। आज से हमारा यहाँ विदाई। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सारे स्टूडेंट हैं जो अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपने वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। लोगों का प्लान ये रहता है कि देखिए सर, नौकरी क्या होता है, नौकरी आप एक दिन करेंगे, दो दिन करेंगे, साल भर करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, बाद में आपके हाथ में रिजल्ट क्या लगेगा, 0। तो इससे अच्छा बेहतर है ना कि आप अपना कुछ बिजनेस प्लान करिए। उस बिजनेस में आपको दिक्कत जरूर आएगी भाई, परेशानी आती है, बिजनेस करने में दिक्कत जरूर आती है, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपको अगर लॉन्ग लाइफ जीना है तो आप उसी के सहारे बेहतर रहेगा, वरना क्या होगा, दिल्ली मुंबई कलकत्ता कहीं भी भागते रहिए, दिल्ली मुंबई कलकत्ता आगरा बिहार पंजाब कहीं से भी लोग आएंगे जाएंगे, सिर्फ किस लिए, सिर्फ कुछ पैसों के चक्कर में, 10,000 12,000 15,000 20,000 इस चक्करों में ऐसे चक्कर काटे रहेंगे। इससे अच्छा आप सेल्फ डिपेंड बनिए, अपना खुद का व्यवसाय ओपन करिए। खुद का बिजनेस ओपन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और एक बेहतर विकल्प होगा आपके लिए कि कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगा और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और एक अच्छी इनकम को जनरेट कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। और आप उस कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं कि देखिए सर, ये मेरा काम है, ये मेरी खुद की वर्किंग है, मैं ये काम खुद करता हूँ, कोई प्रॉब्लम आया आप मेरे पास आइएगा, एक एक करके जो भी रिपेयरिंग्स में प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप उन्हें बच्चे ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद क्या होता है, उनका सेल्फ काम होता है, आपने अपनी शॉप ओपन करी, आपने 1,500 2,000 का पर डे का जो भी काम करना है अपना काम किया, कम से कम किसी का मोहताज तो नहीं हो, किसी का गुलाम तो नहीं हो, तो सेल्फ डिपेंड बनिए। जब आप सेल्फ डिपेंड बनेंगे तभी आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योर कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स अपना रिपेयरिंग करते हैं, वो अपना पूरा सेटअप लगाते हैं, एक एक करके बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और अब मैं आपको सेकेंड क्लास में दिखाता हूँ कि सेकेंड क्लास में इस तरीके से जब बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर अपना सेकेंड क्लास चलता है, जहाँ पर थ्योरेटिकल क्लास चलता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, सीखते हैं और उनको एक एक करके जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बोर्ड में एक एक करके गाइड किया जाता है, समझाया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हॉस्टल के बारे में कि ये सेम इधर से ऊपर के लिए जीना जाता है। ये थोड़ा सा इचल करके जब बच्चे जाते हैं तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए हॉस्टल के लिए बना हुआ है, ये हॉस्टल बना हुआ है जिसमें बच्चे अपना रहते हैं। यहाँ पर रुकते हैं, ये अपना बच्चों ने अपना छोटा सा किचन वगैरह बना रखा है जिसमें खाना वाना खाना होता है अपना खाना बना कर खा लेते हैं। और ये ऊपर से फ्लोर से ऐसे दिखता है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा फुल कंप्लीट दिखाऊंगा कैसे बच्चे सीख रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या सारी सुविधाएं हैं, आपको रहने से लेकर खाने पीने तक की कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आती। ये पूरी मार्केट पड़ती है, ये पूरी मोबाइल फ़ोन की मार्केट है।
जहाँ पर मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी सारे रिपेयरिंग की दुकानें हैं, कम से कम यहाँ पर ना होंगी तो 5,000 मोबाइल फ़ोन की दुकानें होंगी। कोई सामान बेचता है, कोई एसेसरीज बेचता है, कोई टूल्स बेचता है, कोई पार्ट्स बेचता है, एक एक करके सारी चीज़ें। यह हॉस्टल बना हुआ है जिसमें बच्चे अपना रुकते हैं, स्टे करते हैं। ये फिर ऊपर जाने के लिए बना हुआ है, पानी वानी पीने वीने का कैंपर वैम्पर बच्चे अपना यहाँ पर रखते हैं। फिर उसको ऊपर जीना गया हुआ है। यहाँ पर जैसे बच्चों के लिए नहाने धोने के लिए बना हुआ है कि ये पूरा खुला एरिया है, अपना बैठ सकते हैं, टहल सकते हैं, वॉशरूम वगैरह है, नहाने धोने के लिए बना हुआ है। और ये ऊपर का है, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि ये पूरा सेंटर बना हुआ है। ये पूरा फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक में जो भी पर्सन आते हैं इस तरीके से उनकी एंट्री होती है। ये नीचे का पूरा एरिया है और ये रिपेयरिंग का सेक्शन होता है। देखिए यहाँ पर मॉली में फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं ऐसे फ़ोन रिपेयरिंग होने के लिए। स्टूडेंट को भी सीखने को मिलता है, एक बेहतर विकल्प रहता है, मौका मिलता है कि प्रैक्टिकली कैसे सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने मैंने आपको दिखाया कि पूरे सेंटर की तरफ से कि क्या सेंटर का लुक्स है, किस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाता है, कैसे सिखाया जाता है, और एक एक करके जो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी प्रॉब्लम को आपको रिपेयर करना, उनको प्रॉपर तरीके से ठीक करना, ये एक एक चीज़ करके आपको गाइड किया जाता है। देखिए सर, रिपेयरिंग सीखना बहुत आसान है, बस आपको उसका तरीका सीखना है, उसका ट्रिक सीखना है। अगर आप ट्रिक सीख जाएंगे तो बेहतर तरीके से काम करेंगे। देखिए आज मेरे पास कम से कम ना होगा तो हज़ारों बच्चे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, जिसमें से हज़ारों स्टूडेंट में आज दिन ही कम से कम 4 स्टूडेंट का बैच अपना पूरा कंप्लीट हुआ है। कोई फतेहपुर का रहने वाला है, कोई बांदा का रहने वाला है, एक लोग बिहार से हैं, तो वो अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपना बिजनेस प्लान करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उन्होंने पूरा सीखा, सीखने के बाद समझा, समझने के बाद जो भी सारे रिपेयरिंग संबंधित जो भी सारे सामान होते हैं, जो भी पार्ट्स आते हैं, जो भी एसेसरीज आते हैं, जो भी सारे टूल्स आते हैं, वो सारे टूल्सों को उन्होंने वन बाई वन करके अपना परचेस किया। परचेस करने के बाद फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तरीका है, प्रोसीजर है, और आपको यहाँ पे मिलता है लाइफ टाइम सपोर्ट कि कभी कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो हम हमसे हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कोई मशीन, कोई सामान, कोई टूल्स या कोई भी ऐसा पार्ट्स होता है जो इफेक्टिव पार्ट्स है जो आपको चाहिए तो आप हमसे आकर के परचेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, लेकिन मैं उम्मीद रखूँगा आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, पूरा देखेंगे, स्टूडियो को विजिट को देखेंगे कि कैसे सेंटर में सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है वन बाई वन करके, स्टेप बाई स्टेप करके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना सीखने के बाद अपने फ्यूचर को सिक्योर किया, अपना फ्यूचर बना रहे हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, जैसे आपका फाइनल कोर्स कंप्लीट होगा, क्योंकि 4 स्टूडेंट हैं वो अब तक मुझे लगता है कल ही निकल जाते हैं, लेकिन उनका एक्चुअली क्या सर्टिफिकेट रेडी हो गया है, लेकिन आज उन्हें मिलेगा।
सर्टिफिकेट मिलने का रीज़न ये रहता है कि सर्टिफिकेट जो हम लोग देते हैं वो हैंड्स रेटिंग नहीं होता, वो पूरा डिजिटली प्रिंटेड सर्टिफिकेट होता है, ताकि अगर आप कहीं भी उसे लगाते हैं या कहीं भी चीज़ होता है ISO सर्टिफाइड होता है, जिसे आप कल को किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो भी सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात रहता है कि जब आप अपना सेल्फ मतलब आप अपना खुद का शॉप डालेंगे, स्टोर डालेंगे, तो है कि एज ए रजिस्ट्रेशन के तौर पर आपको सर्टिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप बेहतर तरीके से आप क्या करेंगे, काम कर पाएंगे, ये रहता है प्रोसीजर। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में एक एक करके सारी जानकारी दी हुई है, सारी चीज़ें मैं आपको वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप आपको समझाया हुआ है, सारा चीज़ कैसा समझ में आया, क्या सारी चीज़ें रही, आपके अंदर अगर कोई डाउट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई क्लियर होती हैं, तो आप उसे एक एक करके क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात रहता है कि आपको ऑनलाइन से संबंधित एक एक करके क्लास चल रहा है, आप उस वीडियो को वॉच करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो इसकी ट्यूशन फीस होती है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र टोटल जो ट्यूशन फीस लगती है 15,000 रुपये फीस लगती है। 15,000 फीस के दौरान आपको हॉस्टल वगैरह सारी सुविधा जिसमें इंक्लूड है, हॉस्टल भी मिलता है, रहने वहने का सारा सुविधा आपको मिलता है, जिसके अंदर कोर्स के अंदर हम आपको EMMC लेवल हो गया, OC लेवल हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी सारा पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, ताकि बच्चे अपना सीख करके अपना बिजनेस करें और आगे से सेटअप स्टार्ट करें। इसी के साथ में मैं आपको एंड लेता हूँ, और वीडियो को देखिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वीडियो को। ओके, थैंक यू दोस्तों।